तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ आपको। अब हम दलाई लामा टेंपल देखने के बाद, एक नागिन टेंपल है नीचे ही, ये दलाई लामा कंपाउंड से नीचे उतरते हैं हम, जैसे साथ में ही दलाई लामा कंपाउंड है बगल में ही, इससे नीचे चल के मतलब 500 मीटर की दूरी पे है ये। तो इस नागिन टेंपल के बनने की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। भारतवर्ष भी अद्भुत अचंभित कर देने वाले संस्कृति का देश है। आपको जान के हैरानी होगी कि कैसे ये नागिन मंदिर बना। आज का यहाँ का मौसम बहुत अद्भुत है, आनंददायी है, मैकलोजगंज धर्मशाला में। तो अब हम पैदल चलते हुए नागिन टेंपल तक पहुँचने वाले हैं। ये आपको पास में दलाई लामा टेंपल का कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। और इस मंदिर के बनने के बारे में इसकी कहानी हमारे आज के स्वागती विजय जी ने सुनाई। उन्होंने मुझे बताया इस बारे में, उन्होंने बोला कि एक नागिन जो है पेड़ पे आके बैठ गई थी और लोग कई दिन तक, 6 दिन तक वहीं बैठे रही और लोग वहाँ आके पूजा पाठ करने लगे। बाद में उसी पेड़ पे उस नागिन ने प्राण त्याग दिए, तो फिर बाद में वहाँ पे मंदिर बना दिया गया। तो है ना अद्भुत कहानी। अब मेरी उत्सुकता हुई, मैं देखना चाहता था कि कैसा मंदिर है वो नागिन टेम्पल। तो मुझे पूछा मैंने यहाँ धर्मशाला में मैकलोडगंज में, तो लोगों ने बोला ये दलाई लामा टेम्पल के नीचे आप चले जाइए, इसके बाउंड्री के बगल बगल से होते हुए तो आपको वो मंदिर नज़र आ जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे इससे कुछ ही दूरी पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे देखा जाए। दिखाई देगा आपको ये देवदार के पेड़ घने और ये दलाई लामा, मेरे राइट हैंड साइड पे दलाई लामा टेंपल का कंपाउंड है पूरी तरह से। और मैकलोडगंज में बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्धाय के में रहते हैं। ये देखिए अब ये कोने हिप पे ही मंदिर बना हुआ है, ये है नागिन टेंपल। हम इसके गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ज़्यादातर तो यहाँ बौद्ध टेंपल हैं। ये देखिए इस तरह का गेट अद्भुत, ये रहा। और ज़्यादा कुछ मूर्ति होती नहीं, स्थापित मंदिर है। तो इच्छा हुई जानने की नागिन टेंपल है कैसे होगा, क्यों होगा, तो उत्सुकता वंश में यहाँ आ गया। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। यहाँ एक साधु बाबा बैठे शायद अंदर, अभी बाद में देखेंगे, सिद्ध पीठ करके हैं। ये देखिए छोटा सा मंदिर बना रखा है इन्होंने इसी कंपाउंड में, वो पेड़ अभी भी है यहाँ पे। ये देखिए इधर को ऐसा है चारों तरफ, कुछ ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं, छोटा सा है, बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ है ऐसा, बहुत ही बड़ा विशाल बना होगा ऐसा नहीं। अब मंदिर में देख लेते हैं क्या। ये देखिए भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे अंदर, ये शिवलिंग। एक सन्यासी बाबा यहाँ रहते हैं, तो ये उनकी कुटिया है, पक्की बनी हुई है। अब देखिए हमने जरा सा इसके भी दर्शन कर लिए। सिद्ध पीठ नागिनी मंदिर है,